हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टडी निकेतन। स्टडी निकेतन में आज हम करेंगे 17 अगस्त 2019 के बेस्ट करेंट अफेयर। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बीते दिनों 16 अगस्त 2019 को किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि मनाई गई है? तो आपको याद होगा, पिछले साल 16 अगस्त को ही अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन हो गया था, तो उनकी ही ये पुण्यतिथि मनाई गई कल, यानी 16 अगस्त 2019 की। ये हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह से पहले। बीते दिनों तमिलनाडु सरकार ने किसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये किए गए हैं जी K.C.1। K.C.1 के बारे में आप जानते हैं, एक्चुअली हिंदी में हम K.C.1 लिखते हैं लेकिन इंग्लिश में हम पढ़ते हैं K.C.1। ये हैं इसरो के प्रमुख हैं, और इनको तमिलनाडु सरकार ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से सम्मानित किया है। तमिलनाडु की बात आई है तो राजधानी चेन्नई है, मुख्यमंत्री एडापड्डी के पलानीस्वामी और राज्यपाल हैं बनवारीलाल पुरोहित। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम चूंकि तमिलनाडु से ही थे इसलिए उनके नाम पर यह अवार्ड दिया जाता है। बीते दिनों दिग्गज विद्या सिन्हा का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थी? तो वे एक अभिनेत्री थी जी, 70-80 के दशक में उन्होंने बहुत ही शानदार काम किया था। उनका एक पिक्चर रजनीगंधा लोग बहुत याद करते हैं, कुछ और उनके प्रमुख पिक्चरें हैं मेरा जीवन, छोटी सी बात, सफ़ेद झूठ आदि। चलिए यही हैं विद्या सिन्हा। बीते दिनों किसने अपने ग्राहकों को बैंकों द्वारा प्रदान किए गए मुफ्त ATM लेनदेन पर नियमों को स्पष्ट किया है? तो ऐसा RBI ने किया है जी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने ग्राहकों को बैंकों द्वारा, जैसे अब ATM से जो लेनदेन करते हैं वो जो 5 बार की कहानी होती है वो काउंट नहीं होगा, उनका कहना है कि ये मुफ्त में किया जाएगा। ठीक है, स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुआ था लेकिन इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। शक्तिकांत दास इनके 25वें गवर्नर हैं। बीते दिनों किस भारतीय ने एस्टोनिया के तालीन में आयोजित जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये हैं दीपक पुनिया। दीपक पुनिया ने जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। उससे पहले ये जान लें, ये 86 किलो वर्ग में इन्होंने ये खिताब जीता है जी, और ये रूस के अलिक को हरा करके जीता है। और एक और भारतीय पहलवान है विक्की चहर, विक्की चाहर लिखते हैं, वो मंगोलियाई को हरा करके 92 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बीते दिनों इस्तांबुल में आयोजित UEFA सुपर कप किस टीम ने जीता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, लिवरपूल जीता है चेल्सी को हरा करके, और लिवरपूल ये 5वीं बार UEFA सुपर कप जीता है। देखिए ये है लिवरपूल के टीम, काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने किसके चीफ स्टाफ की नियुक्ति की घोषणा की है? तो इन्होंने कल ही किया है जी, लाल किले से अपने भाषण में, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। मतलब अब अपने पास एक ऐसा स्टाफ होगा जो डिफेंस में आप कह सकते हैं थल सेना, जल सेना और नौसेना, सॉरी वायुसेना, ये तीनों के एक चीफ होंगे जो तीनों को देखरेख करेंगे अपने अपने कार्य। जैसे धनोवा जी हैं थल सेना और करमबीर हैं जल सेना, तो वो अपने अपने काम करते रहेंगे लेकिन इन सब का एक चीफ होंगे। अंतर राज्य परिषद की स्थायी समिति की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो ये करने वाले हैं अमित शाह जी, अपने देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, और ये करेंगे अंतर राज्य परिषद के जो समिति होती है स्थायी समिति, उसकी अध्यक्षता करेंगे। वैसे इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। इसमें जो 6 सदस्य हैं आप उनको काउंट कर लीजिए, अमित शाह गृहमंत्री, निर्मला सीतारामन वित्त मंत्री, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर कृषि और किसान कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री। इनके साथ साथ सारे राज्यों के मुख्यमंत्री भी होते हैं।
बीते दिनों सरकार ने किसकी तरलता सहायता के लिए एक योजना शुरू की है? तो इन्होंने एनबीएफसी के लिए एक योजना शुरू किया है जी। एनबीएफसी आप जानते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन होता है, इसका आप पूरा नाम पढ़ें। और इसके अलावा यहाँ ऑप्शन में सेबी, नबार्ड और ग्रामीण बैंक है, तो खास करके सेबी और नबार्ड के बारे में आप एक बार लिखिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर अपने नोटबुक में लिखिए, लेकिन एक बार ज़रूर लिखिए। बीते दिनों नौसेना एयर एनक्लेव और किस ने हवाई संचालन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भैया ये CIAL ने किया है। अब ये CIAL को आप PSU में समझ लीजिएगा, ये है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, ठीक है। इसका एक बार आप नाम देखिए, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने भारतीय नौसेना एयरक्लेव के साथ समझौता किया है। चलिए अब आज के लिए बस इतना ही। जवाब लेते हैं जो मैंने कल आपसे सवाल पूछा था 114। स्वतंत्रता दिवस पर विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आप सबों ने सही जवाब दिया है जी, बिल्कुल सी ऑप्शन सही है, वीर चक्र से विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को सम्मानित किया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे और लेंगे आज का सवाल, सवाल 115। बीते दिनों किस IIT के अनुसंधानकर्ताओं ने कम लागत वाली ब्लड टेस्ट डिवाइस का विकास किया है? मैंने बहुत ही डिटेल कल किया था इसको, तो अगर आप आज वीडियो देख रहे हैं, कल नहीं देख रहे हैं तो कल का वीडियो भी देख लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।